नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 मार्च से लेकर 31 मार्च के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये पूरे महीने आप सभी के लिए किस प्रकार रहने वाले हैं, इन समयों में जो भी ग्रहों की स्थिति होगी, जो भी ग्रह नक्षत्रों और शुभों का निर्माण होगा, आपके जीवन में क्या प्रभाव करने वाले हैं, किन क्षेत्रों में इसमें ग्रह आपके लिए लाभकारी रहेंगे और किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहने की अति आवश्यकता होगी। यूं कहते हैं दोस्तों, आपके प्रत्येक क्षेत्र में ये ग्रहों का बदलाव किस प्रकार होगा, इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पूरे महीने के ग्रहों का विश्लेषण और पंचांग की गणना करने के बाद विशेष तौर पर यह वीडियो को निर्मित किया गया है। तो दोस्तों, ये आपका दायित्व होता है कि आप इन समयों का किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इनमें आप जानने वाले हैं यश में किन क्षेत्रों को लेकर आपको सावधान रहना होगा, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, आपके घर के माहौल में क्या बदलाव होंगे, पारिवारिक जीवन की स्थितियाँ क्या होंगी, आपको आर्थिक तंगियाँ किस प्रकार खत्म होंगी। तो दोस्तों, अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यश में आप अपने कर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे, भाग्य अपने आप ही आपका सहयोग करेगा। दोस्तों, आपको उचित उपलब्धियाँ भी यश में हासिल होने वाली है। घर में भी अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने में आपका महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। इसके साथ दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में कजन भाई बहनों के रिश्तों को लेकर आपको बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि दोस्तों, यश में कारण उनके साथ आपका मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर भी यश में किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए शुभ होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि किसी नए काम की शुरुआत आप पूरे उत्साह के साथ करेंगे, लेकिन दोस्तों, जैसे ही उनमें कठिनाइयां आएंगी, आप जल्दी ही हार मान सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करें। लोगों द्वारा मदद मिलना या फिर ना मिलना, यह लक की बात होगी। फिर भी दोस्तों, अपने प्रयत्नों को यश में कम ना करें, यह आपके लिए यश में बेहतर होगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए शुभ होगी। आपको बता दें कि घर या फिर व्यवसाय दोनों जगहों में सोच समझकर निर्णय लेना व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा। दोस्तों, यश में आर्थिक स्थिति बहुत ही बेहतरीन बन रही है, अतः दोस्तों, समय का उचित सदुपयोग करें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में कभी कभी काम की अधिकता की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। दोस्तों, किसी नजदीकी व्यक्ति की आर्थिक मदद करने की वजह से आपका हाथ कुछ तंग हो जाएगा। बेहतर होगा कि दिल के बजाय यश में आप दिमाग से काम लें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि फिलहाल आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सफलतापूर्वक आप निभा भी पाएंगे, लेकिन दोस्तों, नई जिम्मेदारियां खुद के ऊपर बढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों, व्यक्तिगत जीवन में आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, व्यक्तिगत जीवन में प्रगति करने के लिए खुद की ही सेहत और विचारों का आपको ध्यान देना चाहिए, ये आपके लिए यश में आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। दोस्तों, आप कुछ नई तकनीक का प्रयोग करके काम को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, घर को संवारने हेतु नई वस्तुओं की खरीदारी संबंधी योजनाएं भी बनेंगी। परिवार के साथ घूमने फिरने व फिर मनोरंजन संबंधी समय आपका व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, अपनी कार्यशैली और फिर योजनाओं को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने का आपका प्रयास रहेगा, क्योंकि दोस्तों, किसी भी गलत सलाह आपको जो है इसमें भ्रमित कर सकता है। दोस्तों, इसमें बच्चों की गतिविधियों व फिर शिक्षा संबंधी तैयारियों के विषय में भी जानकारी लेते रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि प्रयत्नों द्वारा आप परिस्थिति में बदलाव ला पाएंगे, और दोस्तों, खुद के प्रति कोई आपको ऐसा बात पता चलेगा जिसकी वजह से आपको सकारात्मक बदलाव भी दिख सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति या फिर विद्यार्थी अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर पाने की वजह से उनके प्रयत्नों को और उनके द्वारा लिए गए मेहनत को उचित न्याय मिलेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि जो दिन होंगे, ये जो समय होंगे, आपके लिए शुरुआत में ही बहुत सुगुन भरा रहेगा। फोन द्वारा कोई शुभ सूचना भी यश में आपको मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में भी कुछ समय व्यतीत होगा। जन्मदिन या फिर किसी अन्य पार्टी में जाने का अवसर भी आपको मिल सकता है, तथा लोगों के मेल मिलाप आपके लिए आनंददायक रहेगा।
इसके उपरांत दोस्तों दिन के दूसरे पक्ष में आपके लिए शुभ योग की परिस्थितियाँ कुछ प्रतिकूल हो जाएंगी, जिनसे आपको लगेगा कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। परंतु दोस्तों अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। जल्दबाजी के चक्कर में आप अपना कुछ अधूरे काम भी इसमें छोड़ सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि काम अपनी योजनाओं के मुताबिक न होने की वजह से थोड़ी नाराजगी भी बनी रहेगी, लेकिन आप योग्य दिशा पाने के लिए किसी उचित व्यक्ति द्वारा मिल रही सहायता को अपनाएं, जिसकी वजह से आपको काम कम समय में अधिक प्रभावपूर्ण करना आपके लिए आसान रहेगा। घर संबंधी कोई भी निर्णय लेना यश में आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, इन्हें टाल दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में व्यवसाय में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों यश में ये जो है अपने काम के प्रति बहुत अधिक मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता होगी। मुश्किल समय में किसी योग्य व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए यश में उचित रहेगा। सरकारी स्वायत्त व्यक्तियों को कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, जो कि आपके लिए यश में लाभदायक भी रह सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का उचित परिणाम आपको मिलने से आपका जो समय है बहुत ही गदगद रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी व्यवस्था और अधिक बढ़ेगी, परंतु आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने से आपका मन और आत्मविश्वास इसमें बना रहेगा। ऑफिस में बेकार की बातों में किसी के साथ ना उलझे, ये आपके लिए यश में बेहतर होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में आपकी एकाग्रता और परिस्थिति को और माहौल को यश में अनुशासित बनाकर रखेगा। दोस्तों यश में कर्मचारियों तथा सहयोगियों का भी काम के प्रति पूर्ण समर्पण बना रहेगा। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में छोटी सी गलतफहमी को लेकर अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में व्यवसायिक गतिविधियों को अपने कार्य क्षेत्र में रह कर ही पूरा करें। दोस्तों किसी भी प्रकार के बाहरी काम या फिर यात्रा को स्थगित रखना ही आपके लिए उचित रहेगा। सरकारी गतिविधियों से आपको बेहतरीन मुनाफा होने की संभावना बन रही है। दोस्तों पिछले कुछ समय से वर्किंग महिलाओं के लिए बेहतरीन स्थितियां बनी हुई है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों आपके कार्यों में जीवन साथी का पूर्ण सहयोग बना रहेगा, परंतु ध्यान रखिए कि किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति से मेल मिलाप आपके लिए आपकी छवि को खराब कर सकता है, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि घर के वातावरण को अनुशासित बनाकर रखने में पति पत्नी दोनों का पूर्ण सहयोग रहेगा। बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करना उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, तो दोस्तों इन पर भी जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तथा आपसी सहयोग से घर की समस्याओं को भी यश में सुलझाने में सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि घर का वातावरण यश में सुखद रहेगा। प्रेमी प्रेमिका के मध्य अहम आ जाने की वजह से संबंध भी खराब हो सकते हैं, तो दोस्तों इन पर ध्यान दें और अपने वाणी पर संयम रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य ने सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों आपकी व्यवस्थित दिनचर्या व फिर उत्तम रहन सहन आपको स्वस्थ रखेगा। इम्यून सिस्टम को उत्तम बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में काम की अधिकता की वजह से मानसिक तनाव भी रह सकता है। इनके लिए आप मेडिटेशन में कुछ समय व्यतीत करना तथा उत्तम साहित्य पढ़ना आपको ऊर्जावान रखेगा, तो दोस्तों इन पर भी जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें, दोस्तों अंत में स्वास्थ्य ठीक होगा, कुछ समय व्यायाम और योगा में लगाएं। यश में माता के स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना अति आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों में कटुता आने की वजह से कुछ तनाव रह सकता है, तो दोस्तों इन पर भी ध्यान दें और अपने वाणी पर इसमें जरूर संयम रखें।